आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दोस्तों मेदू वड़ा, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, हेल्दी के साथ साथ डिलीशियस भी बहुत है, बिना रात भर दाल को भिगोए हुए और वो भी सूजी का। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए सबसे पहले एक कप सूजी ले लेंगे, सेमोलिना बोलते हैं इसको दोस्तों। इससे हम हलवा भी बनाते हैं, रेगुलर सूजी है। और क्या करेंगे, कुछ मसाले ले लेंगे जिससे हमारा मेदू वड़ा बनेगा क्रिस्पी के संग संग सुपर डिलीशियस स्पाइसी। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया, एक कप सूजी के लिए 2 कप पानी ले लेंगे, मेजरमेंट हमने ध्यान रखेंगे। इधर हल्का सा पानी गर्म हो गया, 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी की जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब ले लेंगे कुछ मसाले जिसमें हम डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच और हरी मिर्च 2 से 3 छोटे छोटे पीसेस में। सारी चीज़ों को मिला देंगे पानी में, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, आप देख सकते हैं उबल रहा है पानी। डाल लेंगे धनिया 1/4 कप है हमारा, 1 मुट्ठी कर सकते हैं इसको। और डाल लेंगे इसमें हम सूजी, सभी मसालों को सूजी के संग अच्छे से पका लेंगे। जैसे हमारा आटा तैयार होता है, डो तैयार होता है, गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चलेगा, हाई फ्लेम पे नहीं करना दोस्तों, नहीं तो सूजी अच्छे से पकेगी नहीं, पानी जल जाएगा, सूजी हमारी कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं हम अपने सूजी और पानी को अच्छे से पका लेंगे, सूजी का पानी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, ख़त्म जल जाएगा और हमारा आटे के जैसा सूजी तैयार हो जाएगा। तब हम अपने प्लेट में इसको निकाल लेंगे और बनाएंगे सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिस्पी मेदू वड़ा। तो दोस्तों ये हम सूजी से तैयार कर रहे हैं, इसको खाइए आप चाय से, चटनी से, सॉस से और सांभर से। तो चलिए ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया और आटे जैसा इसकी टेक्चर हो गया, तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, गैस ऑफ कर दिया हमने। और क्या करेंगे, हल्का सा इसको ठंडा करके थोड़ा सा इसको गूंदेंगे जिससे इसका टेक्चर हो जाए सॉफ्ट और मेदू वड़ा बने हमारा प्लेन और साथ में बिना कहीं से टूटे हुए। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए दोस्तों, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो इस तरह से हाथ को बचाते हुए हल्का सा ठंडा करके सूजी को गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसको और अंदर से सॉफ्ट करने के लिए मेदू वड़ा को 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी डाल लिया। देसी घी डाल के फिर से गूंद लेंगे इसको, ये देखिए अब तो ठंडा हो गया है और धीरे धीरे ये प्लेन भी होने लगा सूजी प्रॉपर। अब नींबू के आकार का एक पेड़ा ले लेंगे और हाथ पर हल्का सा हमने पहले से घी लगा लिया है, हाथ के तलवों पे इसको चपटा कर लेंगे और उंगली से इसमें होल कर लेंगे। चाहे तो आप पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं होल करने के लिए, जैसे आपकी इच्छा हो। उसी तरह से सारे हम मेदू वड़ा को तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों मसाला डाल के बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नाश्ते के लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस ऑप्शन। तो सारे लौट के इसी तरह से तैयार करेंगे। बहुत सारी वीडियो स्नैक्स की दोस्तों मेरे चैनल पर अपलोड मैंने की हुई है, आप जाइए उसे देखिए, बनाइए और भर भर के मेरे चैनल पर आके कमेंट कीजिए मेरे हौसला अफजाई के लिए। आपको और क्या बनवाना है मेरे से ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं, मैं बनाऊंगी भी और बनाकर मुझे खुशी भी बहुत होगी। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए मैंने गोल गोल सुंदर सा मेदू वड़ा तैयार कर दिया, ये मेरे 4 पीस हमें तैयार किया है मैंने, इसी तरह से सारे पीसेस हम तैयार कर लेंगे। उधर मेरा तेल गरम हो रहा है गैस पर, गैस को तेल गरम करके हमने यहाँ लो मीडियम कर लिया है, हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, नहीं तो ऊपर से तो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है और एक कढ़ाई में जितना पीस आएगा उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिए, नहीं तो अच्छे से तलने में दिक्कत आएगी। तो पहले तो थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट, उसके बाद आप इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से उलट पुलट कर तल लेंगे। ये देखिए इसका कलर इस तरह से गोल्डन हो जाएगा, प्लेट आउट कर लेंगे, इसका सारा ऑयल टिशू में निकल जाएगा, टिशू हमने बिछाया हुआ है। तो सारे मेदू वड़ा को इसी तरह से इसी प्रोसेस से तल लेंगे दोस्तों हम, और साथ में इसको सॉस, चटनी, चाय, सांभर कुछ भी इस्तेमाल कीजिए। और मेरे
वीडियो पर आकर जरूर कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और नीचे बेल का निशान रहता है दोस्तों, वीडियो की नई नोटिफिकेशन के लिए वो बेल का निशान जरूर दबाइए आप। वाओ, ये देख रहे हैं, आया ना मुंह में पानी। पूरा वीडियो देखने के लिए सबका दिल से आभार। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, कर लिया तो सबका दिल से बहुत बहुत आभार।